हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। किन किन फैक्टर पर ये डिपेंड करती है, उससे पहले हम देखते हैं बच्चों के रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में किया था। आप प्रीवियस वीडियो भी देखें, आपको काफ़ी कुछ उसमें समझने को मिलेगा, और ओम सदा किया था वो भी देखें, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, हमारे पास देखिए कंडक्टर है और इस कंडक्टर की लेंथ क्या है, एल है। इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर देन इट बिकम टू टाइम, यानी कि डबल ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो अगर हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं, क्या हम क्या देखते हैं, जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करता है, ठीक है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अगर हम इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को देखें, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बच्चों वो डिक्रीज होता है, ठीक है। इट मीन्स आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इफ वी कंबाइनिंग द टू फैक्टर देन आर इज इक्वल टू एल बाई ए एंड आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। एंड वट इज रो, रो ही क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, और इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यूनिट अगर हम निकालें, यहां अगर हम रो निकालें, यहां रो की वैल्यू क्या होगी हमारी, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, ठीक है। तो यूनिट क्या होगी बच्चों इसकी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस को हम, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया, ओम मीटर, ठीक है। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका सिंबल दिखा सकते हैं हम, ओम मीटर, ठीक है। तो ये यूनिट है रेजिस्टिविटी। उसके बाद हम डायमेंशन अगर देखें इसकी, ठीक है, तो डायमेंशन निकालने से पहले हम पहले रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकाल देते हैं, ठीक है। तो आर क्या होता है बच्चों, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, ठीक है। रेजिस्टेंस के किसके इक्वल होता है, वी ओवर आई, और वी इज इक्वल टू, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और आई क्या है, करंट। तो वर्क डन क्या है, वर्क डन का अगर हम डायमेंशन फार्मूला देखें, यहां हम लिख लेते हैं, पहले हम रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला निकाल लेंगे, फिर हम रेजिस्टिविटी का डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला क्या है बच्चों, एम वन एल स्क्वेयर टी माइनस टू, और चार्ज का क्या है, ए इंटू टी मल्टीप्लाइड बाई वन, ये करंट का कितना है ए। तो हमारे पास बच्चों फार्मूला आ जाता है, एम वन एल स्क्वेयर टी, देखिए यहां टी वन है और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टी माइनस थ्री ए एरिया, ये एम्पियर है, तो ये कितना हो गया, माइनस टू। तो ये हमारी डायमेंशन आ जाती है किसकी, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालने से अब हम आसानी से रेजिस्टिविटी की डायमेंशन निकाल लेंगे, तो यहां कर लेते हैं इसको, तो यहां लिखे हम डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी, आर, आर की डायमेंशन देखो बच्चों क्या है, एम वन
एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। अच्छा एरिया, एरिया की क्या है डायमेंशन? एल स्क्वायर। लेंथ की क्या है? एल है, तो एल से एक एल कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारा आ जाता है एम वन एल, एल टू है यहाँ, एक और एल है, तो एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू, तो ये हमारे पास डायमेंशन आ जाती है रेजिस्टिविटी की। तो उसके बाद बच्चों अगर हम यहां इस फॉर्मूले को देखें और अगर हम यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिए पर यूनिट मतलब के अगर हम यहां देखें कि लेंथ को पर यूनिट बढ़ा दें, ठीक है, हमारे पास देखिए कंडीशन क्या है। देखिए बच्चों अगर हम इफ रेजिस्टेंस ऑफ द यूनिट लेंथ, लेंथ को हम क्या ले लें, यूनिट लेंथ विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी कि एल को अगर हम क्या लें, वन ले लें, और एरिया को भी क्या लें, वन लें, तो हमारे पास रेजिस्टिविटी क्या आ जाती है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों को हमने कांस्टेंट कर दिया, ये कांस्टेंट है तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आएगी, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के। तो बच्चों कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करें दोनों को, कि रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टेंस के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर है कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर और लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें, रेजिस्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, और एक का मटेरियल अलग अलग होता है तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझें, देखिए लास्ट वीडियो में जब हमने इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकाली थी, आई इज इक्वल टू माइनस एन ए ई वी डी, ये आई थी, ठीक है। तो करंट डेंसिटी भी हमने निकाली थी, तो करंट डेंसिटी की क्या आई थी फॉर्म, आई ओवर ए, ठीक है, आई ओवर ए इज इक्वल टू माइनस एन ई वी डी, ठीक है। तो यह था। अच्छा रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, वी किसके इक्वल होता है बच्चों, ई एल, और आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू ये रखेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या है हमारी एन ए ई वी डी, ये इकट्ठा है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो इसको अगर आप ऐसे लिखें, देखो एल और ए को हम अलग निकाल लें, तो इसको लिखेंगे हम ई ओवर एन ई वी डी एल बाई ए, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विच इज इक्वल टू ई ओवर एन ई वी डी एल बाई ए। अगर हम इसी फार्मूले को कंपेयर करें जो हमने पहले किया था, हमारा रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारी रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आ जाती है, रेजिस्टिविटी हमारी आ जाती है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू ई और एन ई वी डी।
अगर हम यहां वी डी की वैल्यू रखें तो वी डी की वैल्यू क्या है, एन ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, E टो बाई एम, तो E से E कैंसिल हो जाता है तो एम एम को ऊपर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा एम ओवर एन ई स्क्वेयर टो, एन ई स्क्वेयर टो, तो ये रो की वैल्यू हमारी है, ठीक है। अच्छा, यहां से देखने पर रेजिस्टिविटी का पता लगना चाहिए किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। एम क्या है बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये स्मॉल एन क्या है, नंबर डेंसिटी, ये क्या है, नंबर डेंसिटी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस कंडक्टर में, ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ई हमारा कॉन्स्टेंट है, टो क्या है, टो क्या है, रिलैक्सेशन पीरियड, रिलैक्सेशन पीरियड, ठीक है। तो हमारे पास ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी टर्म कॉन्स्टेंट है, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नंबर डेंसिटी और रिलैक्सेशन पीरियड, ठीक है। और यही दोनों जो है, रिलैक्सेशन पीरियड और नंबर डेंसिटी, हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है। तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने पहले बताया था आपको, यानी कि रेजिस्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, और वेरी करती है मटीरियल टू मटीरियल, ठीक है। तो यहां देखें, अगर हम अगर नंबर डेंसिटी अगर बढ़ाएं, ठीक है, नंबर डेंसिटी रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, एन का मतलब नंबर डेंसिटी, ठीक है, अगर नंबर डेंसिटी बढ़ेगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज। सेकेंड, सेकेंड किस पर डिपेंड करता है, रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई टू, रिलैक्सेशन टाइम, और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाती है, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिलैक्सेशन पीरियड क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। रिलैक्सेशन क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, टो क्या होएगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, ये हमने पहले पढ़ भी लिया है। उसके बाद अगर टो डिक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है। तो ऐसे मतलब रेजिस्टिविटी है वो प्रॉपर्टी है किसकी, मटेरियल की, ठीक है। जबकि यहां रेजिस्टिविटी ना तो एल पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि इसमें एल नहीं है, एल है कहीं पर, इसमें लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का बढ़ाएंगे तब भी रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, नंबर डेंसिटी पर, ठीक है, नंबर डेंसिटी पर और रिलैक्सेशन पीरियड पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, is depend on the material, ठीक है। तो ये था बच्चों रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट था, और आशा करते हैं कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ओम्स लॉ के बारे में हमने लास्ट वीडियो में किया था, रेजिस्टेंस के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, तो आप रेगुलर वीडियो देखते रहें और आपको लगेगा कि फिजिक्स बड़ी ही आसान है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।